महानगर के धर्मशाला अंडरपास तिराहे से तरंग ओवरब्रिज तक रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा रेल भूमि की पड़ताल की गई तथा इसका सीमांकन भी किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट राधेश्याम गुप्ता और रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ के जवान मौजूद रहे। गौरतलब है कि धर्मशाला पुल के पास से करीब 300 मीटर की लंबाई में रेलवे की भूमि कब्जा होने का मामला सामने आया है, जिसका रेल प्रशासन ने राजस्व विभाग के सहयोग से जमीन की पैमाइश कराई गई है तथा संबंधित लोगों से अपने सभी कागजात को लेकर सोमवार को तहसील सभागार में बुलाया गया है, जहां वे लोग अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद मंगलवार से कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर तहसील के नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता ने कहा, संबंधित जो भी रिकॉर्ड होगा आप लोगों का बीच में टाइम भी मिल जाएगा और आप लोग सोमवार को 11 बजे मीटिंग हॉल तहसील में है वहाँ आप लोग आ जाइएगा। लेखपाल साहब रहेंगे, कांगो साहब रहेंगे, हम भी रहेंगे और रेल विभाग के एक्सीएन साहब लोग भी रहेंगे। तो उसमें आप लोग अपना पेपर लेके आ जाइएगा, आपके पेपर का परीक्षण हो जाएगा और जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार मंगलवार से कार्रवाई होगी। रेलवे की जमीन का चिन्हांकन करना था, तो रेलवे की जमीन था वही सड़क के किनारे रेलवे की जमीन कहाँ तक आ रही है। रेलवे की टीम थी और हमारे राजस्व विभाग की टीम थी, एक साथ हम लोगों ने नक्शे का आधार पर इसका चिन्हांकन किया है। कितनी जमीन करीब होगी सर इसमें रेलवे की? उसे चिन्हांकन किया गया है, चिन्हांकन करने के बाद इसमें कुछ काशकार अपना मिलजुला नंबर भी बता रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और सोमवार तक का टाइम दिया गया है। सोमवार को अगर नहीं दिखाते हैं तो रेलवे अपना जो है फीलर करवाएगी और रेलवे अपने उपयोग में जमीन को जो है अपने उपयोग में लेकर अपना करना जारी करेगी। तो पहले से भी कोई नोटिस दिया गया था इन लोगों को, बताया गया पहले से शुरू किया गया रेलवे को बताया था।